जानकारी बड़ी दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें, एफएमडीए की बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सभी विधायक वहां पर मौजूद हैं, तमाम प्रशासनिक अमला इस वक्त पहुंच चुका है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये बैठक होने जा रही है और जिसमें तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बैठक के अंदर और बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको बता दें कृष्णपाल गुर्जर भी इस वक्त मौजूद है। साथ ही अगर जानकारी दे तो मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम विधायक भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। एफएमजीए की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही है। तस्वीरें बैठक की आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। दरअसल आपको बताते सीएम की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक, लघु सचिवालय में यह बैठक हो रही है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि तमाम विधायक भी इस बैठक में कर रही हैं शिरकत। तो एफएमडीए की बैठक सीएम की अध्यक्षता में हो रही है और देवेंद्र कौशिक इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी? बिल्कुल ममता, देखिए फरीदाबाद में एफएमडीए की बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री तय वक्त से 15 मिनट पहले ही लघु सचिवालय पहुंच चुके थे। उसके बाद में उन्होंने 15 मिनट यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ में तमाम विधायकों के साथ में 15 मिनट बैठक ली थी और बैठक के दौरान ठीक 3 बजे वो मीटिंग हॉल में पहुंच गए थे, जहां तमाम अधिकारियों की तरफ से, एफएमडीए के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से वहां मीटिंग में एजेंडे को रखा गया है, पॉइंट वाइज पॉइंट उन पर चर्चा की जा रही है। तमाम जो चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा जो नैनपाल राव विधायक हैं, इसके साथ साथ में राजेश नागर और कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो एफएमडीए के सीईओ हैं सुधीर राजपाल की तरफ से एजेंडा पर बात की जा रही है, अपनी बात रखी जा रही है। हर एजेंडा पर मुख्यमंत्री बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हैं, उसको सुनने के साथ साथ में अगर उन्हें लगता है कि कहीं कुछ पूछना है तो वो लगातार सुधीर राजपाल जी से पूछ भी रहे हैं। जिस तरह से, क्योंकि मीटिंग के अंदर एक एजेंडा पर बात हो रही थी तो 476 करोड़ रुपए के काम की बात सुधीर राजपाल जी की तरफ से कही गई थी, तो मुख्यमंत्री ने पलट कर पूछा था उनसे कि आखिर 476 करोड़ रुपए आप लाएंगे कहां से। इसको लेकर सुधीर राजपाल की भी तरफ से कहा गया था कि कुछ सरकार की तरफ से पैसा आएगा तो कुछ नगर निगम की तरफ से, जो प्रॉपर्टी टैक्स शहरवासियों से लिया जाता है उसमें से 10% एफएमडीए को देने की बात की गई है। लेकिन इस बीच में एक अगर मैं बात करूं तो चूंकि जो यूएलबी मिनिस्टर हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वो भी वर्चुअल इस मीटिंग से जुड़े हुए थे। डॉक्टर कमल गुप्ता की तरफ से हालांकि इस बात को लेकर एतराज जताया गया था कि नगर निगम का पैसा एफएमडीए को नहीं दिया जाए, क्योंकि सरकार भी एफएमडीए को पैसा दे रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े साफ तौर से कहा गया था कि शहर के विकास के लिए चाहे नगर निगम हो, चाहे एफएमडीए हो, चाहे स्मार्ट सिटी, बाकी तमाम जो एजेंसियां हैं वो शहर के विकास के लिए लगी हुई हैं। अगर पैसा अगर कुछ परसेंट इधर जाता है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं अंदर बैठक के दौरान हो रही है। सबसे बड़ी जो चर्चा है वो पानी को लेकर हो रही है, क्योंकि पीने के पानी का जो संकट है वो फरीदाबाद में लगातार पिछले कई वर्षों से, यहाँ तक कि इस साल इस संकट को हो गए लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर चिंतित हैं, उनकी तरफ से कहा गया है मीटिंग में कि इसका समाधान जल्दी से जल्द निकाला जाए। जो सीईओ हैं एफएमडीए के सुधीर राजपाल, उनकी तरफ से कहा गया था कि इरीगेशन डिपार्टमेंट से उनकी बात हो रही है और ऐसे में गुरुग्राम से पानी फरीदाबाद लाने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी पूछा गया है कि गुरुग्राम से अगर फरीदाबाद लाना है पानी तो उसका वे रास्ता क्या होगा, किस तरह से फरीदाबाद में पानी आएगा, और इसके साथ साथ में अगर फरीदाबाद गुरुग्राम में पानी की उपलब्धता ज़्यादा बताई गई है तो आने वाले दिनों में यदि सेक्टर गुरुग्राम में ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ पानी की जरूरत होगी। तो ऐसे में फरीदाबाद के लिए अगर आप पानी वहाँ से लेकर आते हैं तो फिर पानी का संकट गुरुग्राम में खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी तमाम एजेंडा इन चीज़ों पर बातचीत हो रही है और लगातार ये क्योंकि बैठक मैराथन बैठक होनी है, 14 एजेंडा है ममता। देखिए इसमें पहली जो एजेंडा था वो तो पिछली रिव्यू मीटिंग का था, लेकिन इसके साथ साथ में जो 13 एजेंडा है उस पर वन बाई वन बात की जा रही है। तो अभी तक जो एजेंडा 4 मुख्य जो बिंदु हैं उन पर बात हुई है, तो समझ सकते हैं अभी आप 9 ऐसे और पॉइंट है। ठीक है देवेंद्र, मैं लौट चुकी आपके पास, आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और अहम जानकारी सर अपने दर्शकों को दे देते हैं, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि फरीदाबाद के विकास को लेकर अहम बैठक हो रही है
और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये बैठक चल रही है। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मीटिंग से जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में 10% एफएमडीए को देने पर एतराज जताया गया है। दरअसल विकास मंत्री कमल गुप्ता ने इस पर एतराज व्यक्त किया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी बातचीत चल रही है। पानी को लेकर भी इस बैठक में बातचीत चल रही है, क्योंकि अपने आप में ये एक डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है, तो किस तरीके से फरीदाबाद का डेवलपमेंट हो सके। देवेंद्र लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, उस पर एतराज व्यक्त किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखिए प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें तो एफएमडीए चूंकि फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मुख्यमंत्री की तरफ से इसलिए बनाई गई थी कि चाहे कि जो बड़े बड़े काम हैं जो नगर निगम या एचएसवीपी नहीं कर सकता है, तो वो ये एफएमडीए के तहत काम किए जाएं। इसकी एक सीमा तय कर दी गई थी कि 30 मीटर बड़ी जितनी भी सड़कें हैं वो एफएमडीए बनाएगा। इसके साथ साथ में रेनीवेल पानी की जो रेनीवेल लाइन है उसको एफएमडीए संभालेगा। इसके अलावा बड़े सीवर की लाइन भी एफएमडीए को ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि एक पैसे का संकट, बजट का संकट था, तो बजट को संकट से निपटने के लिए सरकार तो मदद एफएमडीए के खाते में भेज ही रही है पैसा, लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि खुद पैसा जनरेट करना है और इसी बात को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से जब 476 करोड़ रुपए के काम के जब हवाला दिया गया था तो सीएम साहब ने खुद उनसे पूछा था सुनील पाल जी से कि आखिर ये पैसा लाएंगे कहां से आप, इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जैसे ही उन्होंने जिक्र किया कि नगर निगम से जो प्रॉपर्टी टैक्स शहर से लेता है उसमें से 10% एफएमडीए को मिलता है, लेकिन ऐसे में जो यूएलबी मिनिस्टर हैं अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर का डॉक्टर कमल गुप्ता, उनकी तरफ से एतराज जताया गया कि आप नगर निगम से इस